तुम बिलीव नहीं करोगे आज क्या हुआ है कंपनी में। अरे बहुत खुश लग रहे हो आज, क्या हुआ? कंपनी वालों ने हम लोग सबको एक बोनस चेक दिया है। अरे वाह। तो अब इसको जोड़कर शायन की दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक साल की ट्यूशन फी तो हम भर दे सकते हैं। पापा मम्मी ये देखो। अरे एक सेकंड तो रुक जा, तू पहले ये देख। अरे नहीं यार पापा प्लीज, पहले अब ये देखो मेरा कनेडियन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया है। तेरा तो लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन हो गया ना। अरे लेकिन पापा ये तो अब्रॉड की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, और दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस का डिफरेंस कितना है? पापा मतलब अब कुछ 10-20 हजार का तो फर्क है। वो थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं हो जाएगा बेटा? अरे पापा लेकिन फॉरेन के अंदर तो टॉप के प्रोफेसर आके पढ़ाते हैं और इतने सारे प्रोग्राम है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। पापा प्लीज यार प्लीज, मैं आपसे कब से बोल रहा हूँ पापा प्लीज। अरे बेटा लेकिन अरे नहीं नहीं अब्रॉड जाके पढ़ेगा तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ करता हूँ। ओके डन, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। क्या जरूरत है अभी उसको अब्रॉड भेजने की? अरे अब ठीक है, बच्चों को कौन समझाए, एक हम ही है जिनसे वो कुछ भी मांग सकता है। मेरे पापा को ना सिगरेट पीने की आदत थी, तो रोज मम्मी से झूठ बोलकर मार्केट घूमने के बहाने से वो घर से निकलते थे। अब मैं छोटा था तो मैं भी इज्जत करता था और उनके साथ जाता था। मैं हर बार उनसे वो 5 रुपए की चॉकलेट मांगता था और मुझे एकदम डांट करके चुप करा देते थे। अब एक दिन मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने पापा के पीछे से वो चॉकलेट चुरा ली और दुकानदार ने देख लिया। तो अब मेरे से छोटे बच्चों को क्या डांटता, उसने पापा को सबके सामने डांट दिया। अगले 1 हफ्ते तक वो मार्केट नहीं गए शर्म के मारे, और मैंने भी इज्जत छोड़ दी। एक दिन ऑफिस से घर आए तो मैंने देखा उनके हाथ के अंदर बड़ा सा डब्बा था जिसके अंदर 50-60 चॉकलेट थी। मैंने भी देख के पूछ लिया इतनी सारी चॉकलेट किस लिए, तो मुझे देख के बोलते बेटा तो अपनी इतनी बड़ी जिद छोड़ सकता है तो फिर भी सिगरेट है। उस 1 हफ्ते की सिगरेट के पैसे जोड़कर वो मेरे लिए महंगी वाली टॉफियां लेकर आए। मेरी इतनी सी इज्जत पूरी करने के लिए मेरे पापा ने इतनी बड़ी आदत उनकी छोड़ दी। वो कहते हैं ना कि जितनी लंबी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, मेरे पापा ने वो चादर कभी छोटी पड़ने ही नहीं दी। मैं पैर फैलाता गया और वो चादर लंबी करते गए। अगर वो मेरे लिए इतनी बड़ी उनकी आदत छोड़ सकते हैं तो फिर भी बोनस है, कल फिर आ जाएगा। हाँ मगर ट्यूशन फी का क्या? अरे तो समझ लेंगे, कैसा कोई चेक ही नहीं आया था, ऊपर वाले ने हाथ पैर सलामत दिए, ट्यूशन फी भर देंगे किसी तरह।